सांसों का देसी जुगाड़, इसे जुगाड़ कहें या यूं कहें कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी मान्यता को मानते हुए इंदौर में कुछ डॉक्टर्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों ने मिलकर इसी जुगाड़ से एक देसी वेंटिलेटर तैयार किया है, जो कोरोना काल में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मौजूदा वेंटिलेटर से आधे से भी कम की लागत में तैयार होने वाले इस वेंटिलेटर की खासियत ये है कि ये 12 वोल्ट के डायरेक्ट करंट वाले मोबाइल चार्जर से भी चलाया जा सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, सोचा कि कुछ काम करें और ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो जन सामान्य के पहुंच में हो, सामान्य रूप से चलाया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो इधर से उधर स्थान पे यानी मोबाइल भी कर सकें। इसी क्रम में हमको डॉक्टर भंडारी और उनकी वाइफ मिली, जो कि इंग्लैंड में प्रैक्टिस करके वापस आए थे। उनके पास एक वेंटिलेटर की टेक्नोलॉजी है जो कि पेटेंटेड अमेरिका और यूएस में दोनों जगह उनके पेंडिंग है पेटेंट। तो उनके साथ बात हुई, उनने हमारे साथ डिस्कशन किया। मेरे साथ सहयोग में अनिल थिप्से जी हैं जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी केट के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। हम दोनों ने मिलकर उनसे बातचीत करी, उनने फिर हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया और आज उस एग्रीमेंट ट्रांसफ़र के साथ में हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। इंग्लैंड से लौट भंडारी डॉक्टर दंपति की तकनीक से तैयार इस देसी वेंटिलेटर को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय करने वाले उद्यमी संजय पटवर्धन और यूरोप से लौट डॉक्टर एस के भंडारी और उनकी पत्नी पूर्णिमा भंडारी ने फेफड़ों को वेंटिलेशन देने वाली प्रमाणिक तकनीक के आधार पर यह आविष्कार किया है। इनकी तकनीक यूरोप में पेटेंट के लिए पेंडिंग है। ऑक्सीजन फ्लो को मेंटेन करने के लिए इसमें वाटर मैनोमीटर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं है। ये मेरा इंडिविजुअली था कि मैंने इसको डेवलप किया। लकीली इस चीज ने अच्छा मूर्त रूप लिया और अब ये बिल्कुल प्राइमरी इजी सिस्टम से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, इस तरह से मैंने इसके 5 लेवल बना दिए हैं। अभी हम लोग लेवल 1, 2, 3, मतलब ये है कि हम लोग बाहर के गाँव से, दूसरी जगह से या इवन इन हॉस्पिटल नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कर सके। अभी इस लेवल पर मशीन भी सस्ती है और टेक्निक इतनी सिंपल है कि एक पैरामेडिकल आदमी या इवन एम्बुलेंस ड्राइवर वो भी इसको इतनी इजीली समझ सकता है। सांसों का देसी जुगाड़ बने इस वेंटिलेटर को चलाने में बिजली की खपत भी कम होती है। इसके अलावा इसमें 4 घंटे का बैकअप भी रहता है, जिससे इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना अथवा इमरजेंसी की हालत में गोल्डन आवर के दौरान ही अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। महज 50,000 की लागत में तैयार होने वाले इस देसी वेंटिलेटर की पहली 5 यूनिट बुक हो चुकी है, जबकि अभी 50 यूनिट तैयार की जा रही है। ऐसे में जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं इस सस्ते और इस्तेमाल में आसान वेंटिलेटर के इस्तेमाल से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।